वेलकम टू मारू फिश पार्टी इन इंडिया से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा कल मैंने ट्राई करने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा थोड़ा सा शेड्यूल टाइम होने की वजह से मैं खेल नहीं पाया अलायंस बैटल एक्सट्रीम मोड और नॉर्मल मोड। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में दो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक दोनों के दोनों मैंने नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव नहीं बनाया। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं और इसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। वैसे देखना तो पड़ेगा क्योंकि आगे स्कोर जो करना है। ठीक है, तो आज का जो है वो कॉम्बैट है फीमेल में, तो चलो आज करते मैच। लेकिन सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा, पहले एक मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कॉम्बैट में है कॉम्बैट वाले कैरेक्टर, ठीक है। तो कॉम्बैट में फीमेल ना, तो यहाँ पर कॉम्बैट के फीमेल हमको चूज़ नहीं करना है। यहाँ पर फीमेल तो है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर किस टाइप के इसको यूज़ करूँ मैं। एक मिनट, थोड़ा ठीक है। कॉम्बैट फीमेल, कॉम्बैट फीमेल, यहाँ पर सीधी सीधी सिंपल सी बात है, इन लोगों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए यानी गेम चलाने के लिए सोची समझी चाल चली। वो चाल ऐसी है, हम लोग देखो अभी नए यूनिफॉर्म में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा ताकत है कि पुरानी यूनिफॉर्म की तरफ हम लोग देख तक नहीं रहे। बराबर, सही सही बात है, एग्री। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इनको चेंज कर दिया। क्या कर दिया, अलायंस बैटल जो एक्सट्रीम मोड है उसमें चेंज कर दिया। चाहते तो ये नॉर्मल मोड को चेंज कर सकते थे, लेकिन क्या किया इन लोगों ने, एक्सट्रीम मोड के साथ छेड़छाड़ की, ताकि पावरफुल प्लेयर्स जो अच्छे खासे पावरफुल लेवल पर एपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते वो लोग क्या करेंगे, अभी यूनिफॉर्म बाय करेंगे ओल्ड वाले, उसके अंदर स्कोर करेंगे। तो ये इनका एक प्लान है, सोची समझी प्लान है, जिसमें इनका पुराना हिस्सा भी चलेगा और नया हिस्सा, और कंसंट्रेशन भी लगा रहेगा और इनका पैसा भी कमाएगा और बिजनेस भी होता रहेगा एक साइड से। तो ये इनकी सोची समझी चाल है, तो इस चाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। अब जिसको एबीएक्स करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, ख़त्म बात। अब जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है वो भी पछताओ, रो, क्या करना है करो। मैं तो पहले से ही इसको मना कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुने नहीं। तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या कर सकते हम लोग। अभी नेक्स्ट प्लान करना क्या है, अब ये तो सब हो गया, अब करना क्या है वो देखते हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। अभी जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, अभी आगे करना क्या है उस पर देखते हैं अभी थोड़ा। किसका कमेंट है, अच्छा फ्रैक्चर, इन मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर जिसका नाम है, मैंने इसके पहले भी बताया है, जाकर सब्सक्राइब कर लो। और इन्होंने फ्रैक्चर जो है, जो इसका क्या नाम है, वो नया कैरेक्टर इपिक कास्ट में का, फोनिक्स के जैसा डेडपूल का कॉपी, क्या नाम है उसका, हाँ वही कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का यहाँ पर फ्रैक्चर क्या है, स्किल्स क्या है, वो यहाँ पर बताया है। तो वो वीडियो जाकर देखो, तब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ दूसरा काम करता हूँ। ये जो कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका शेरोन रॉजर्स, मैक्सिमम न्यू प्लेयर्स इसको चूज़ कर लो और 6 स्टार कर लो, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपको हर जगह पे, एवरी प्लेस में, हर जगह पे आपको काम आएगी, हर जगह पे, हर स्टेज में, हर इसमें, हर इसमें, हर जगह पे काम आएगी।
100% गारंटी के साथ बोलता हूँ ये काम आएगी आएगी, भले इसका यूनिफॉर्म नहीं रहा ना आपके पास चलेगा, लेकिन ये काम आएगी ज़रूर, हार्ड से हार्ड मिशन में काम आएगी है। वैसे इससे भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है हमारे पास, उसके सूट्स भी अवेलेबल है, लेकिन क्रिस्टल देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो फ्री में है, फ्री में मतलब थोड़ा सा बायोमेट्रिक्स आपको कलेक्ट करके इसको देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, तो उसी टाइप का अगर कुछ हासिल करना है तो इस कैरेक्टर को पावरफुल करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ बात कर रहा था, मैं वापस से आता टॉपिक पे, ABX पे। चल तो देखते हैं अभी, यहाँ पे सोचे समझी चाल तो इन लोगों ने चली, तो वैसे तो देखा जाए तो ABX जो अभी इन लोगों ने चेंजेस किए, अगर मैं बहुत शातिर दिमाग से अगर सोचूँ ना, जैसे डेवलपर के दिमाग से, तो बहुत सही चाल चली है इन लोगों ने। क्योंकि देखो नॉर्मल, मैं यहाँ पे एक बार शेड्यूल चेक कर लेता हूँ, मैं इधर चले जाता हूँ स्टार्टिंग पर, राउंड वन पे चले जाता हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने जामुच के ऐसा दिया हार्ड मोड, ये हार्ड मोड कौन खेलेगा, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी लंबे समय से गेम खेल रहा है वही ये कर सकता है, न्यू प्लेयर्स तो पॉसिबल नहीं है। सुपर विलन टाइप में मिल जाएंगे कुछ कैरेक्टर, लेकिन उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, बेसिक रिवॉर्ड लेने लायक स्कोर कर लेंगे कम से कम, तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर है नहीं, तो ये जो न्यू प्लेयर्स है ये बेसिक नॉर्मल जो नॉर्मल मोड है वो कर लेंगे, लेकिन एक्सट्रीम मोड के लिए शायद रेडी ना हो। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड आउट, यहाँ पर एक हमको फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है तो इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में कॉम्बैट कैरेक्टर, इसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में राउंड थ्री में यहाँ पर यूनिवर्सल सुपर हीरो में थॉर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक हमको फ़ायदेमंद हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्पीड टाइप में ये भी और ये भी, कॉम्बैट में सुपर हीरो, इसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में ये पांचवा, यहाँ पर यूनिवर्सल सुपर हीरो या सुपर विलन नहीं बताया। उसके बाद ब्लास्ट में है मेल, तो इसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं केबल के ज़रिए। उसके बाद में यहाँ से राउंड सिक्स में स्टार्ट होता है, यहाँ पर अभी हमारे पास है फीमेल, फीमेल में कोई भी यहाँ पर दिया नहीं है कि कौन सा यूज़ करना है, सभी फीमेल होंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल सुपर विलन लोकी के ज़रिए स्कोर किया जा सकता है और थैनोस के ज़रिए, और दो तीन अगर कैरेक्टर होंगे तो उसके ज़रिए ABX किया जा सकता है। उसके बाद में राउंड सेवन, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए कि पहले वाला ओल्ड वाला वर्जन ही है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में राउंड 8, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, क्योंकि राउंड 8 में कॉम्बैट में सुपर विलन, तो कॉम्बैट में सुपर विलन एक तो मिलेगा आपको स्पेशल मिशन में से सैंडमैन, वो ABX करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। उसके बाद में आपको एक कैरेक्टर का नाम है 45-50% फिजिकल अटैक है उसका, लेकिन सिर्फ सुपर विलन टाइप कैरेक्टर को देंगे, वो भी कॉम्बैट को, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पफुल साबित होगी अगर वो आपके पास 6 स्टार का होगा तो। उसके बाद में ये तो निपट गया, उसके बाद में राउंड नंबर 9, यहाँ पर कॉम्बैट है, इसका हमको फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिया नहीं है तो इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद में राउंड 10, अब ये थोड़ा सा दुखी वाली बात है, ब्लास्ट टाइप तो हो गया, ये तो हम लोग निपट लेंगे, लेकिन सेकंड नंबर जो एक्सट्रीम मोड है इसमें यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल है, यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल। अब यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल में आ गई जेन फॉस्ट, आ गई मेरे ख्याल से ये क्या नाम है इसका, ब्लैक बुल्ट की वाइफ, क्या नाम है यार, मीडूसा, मीडूसा और कौन कौन है, थोड़े से दो तीन और कैरेक्टर का नाम मेरे को याद नहीं है, वो आ जाएंगे यहाँ पर, तो उससे ज़रिए अगर ABX होता होगा तो वो मैक्सिमम बहुत कम होगा, रिवॉर्ड लेने लायक होगा बेसिक, तो उतना अगर कोई कर सकता होगा तो कर लेना। उसके बाद में राउंड 11 की तरफ जाते हैं, राउंड 11 में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, सुपर विलन टाइप फीमेल, अब ये फीमेल बोला है और यहाँ पर सुपर विलन भी है, तो सुपर विलन टाइप में फीमेल हेला हो गई। उसके बाद में प्रॉक्सिमा मिडनाइट के कुछ फीमेल कैरेक्टर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट के साथ और फीमेल कैरेक्टर विलन टाइप वाले। उसके बाद में और कौन है, दो तीन और कैरेक्टर है जो फीमेल में सुपर विलन टाइप में है, कल ही मैंने शो किया था, तो वो कैरेक्टर वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में राउंड 12, यहाँ पर स्पीड सुपर हीरो टाइप फीमेल, अब ये राउंड जो है यहाँ पर ब्लैक विडो, लूना स्नो बहुत से लोगों के पास नहीं होंगी, तो ब्लैक विडो यूज़ करो, एजेंट 13। उसके बाद में दो तीन और कैरेक्टर है सुपर हीरो टाइप में, इलेक्ट्रा और कौन कौन है, बहुत से नाम कैरेक्टर में याद नहीं है,
तो वो यूज़ कर सकते हो एपेक्स करने के लिए, बेसिक सा रिवॉर्ड हासिल करने के लिए एपेक्स कर लो। उसके बाद में ये आज का राउंड यहाँ पर फीमेल है, वो तो मैंने कर लिया। अब कॉम्बैट फीमेल, अब ये करना है। चलो इसका, हाँ इसी का नाम मैं बोल रहा था, क्या नाम है इसका, इसी का नाम मैं बोल रहा था जब भी मैं, क्या नाम है इसका याद नहीं आ रहा, टाइटेनिया, टाइटेनिया का यहाँ पर क्या है देखो अभी आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर के जो डिटेल्स है ना, इसका मतलब होता क्या है, बेसिक क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, मतलब इसका खासियत क्या है, वो अगर आपको देखना है तो आपको एक तो सिंपल है, कैरेक्टर के डिटेल्स में चले जाओ, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाएगा और यहाँ पर कुछ डिटेल्स बाकी की। उसके बाद में दूसरा तरीका है, स्किल्स में चले जाओ, सभी लोग को बोल रहा हूँ करने के लिए, चेक करो, यहाँ पर सबसे नीचे में जाना है और यहाँ पर टच करना है लीडरशिप में, यहाँ पर कॉम्बैट टाइप्स 50%, सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पर सिर्फ कॉम्बैट टाइप को 50% इंक्रीज फिजिकल अटैक दे रहा है, तो इसका यूज़ कर सकते हो 50% ऑल एलाइज के लिए, तो इसका मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ, कॉम्बैट टाइप्स के लिए दे रहा है। और इसका क्या है, डैमेज डील टू मेल टाइप कैरेक्टर 48%, कॉम्बैट टाइप 50% फिजिकल अटैक, थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हम लोग। मैं यहाँ पर 3 नंबर पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पर कहाँ गई ये, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ और इसके जगह पे मुझे और एक फीमेल कैरेक्टर चाहिए कॉम्बैट, एक मिनट यही से चूज़ कर लेता। चलो ये एक हो गया, अब इसका फिजिकल अटैक चेक करते हैं, 40,000 अकेले का एक कैरेक्टर का अटैक हो गया है 40,000। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है, बाकी सब तो वही सब सेट रहेगा, चलो देखते हैं क्या अटैक करती है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर भी है, इसका लीडरशिप क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डॉज रेट इंक्रेस, कुछ लोगों का क्वेश्चन कि मेरे पास इतने सारे कैरेक्टर कैसे है, तो सिंपल सा जवाब है मेरा कि मैं इस गेम को 2.5 साल से भी ज़्यादा समय से खेल रहा हूँ इसलिए। उसके बाद में इसको टाइटू करना पड़ेगा, तब यहाँ पर सुपर विलन टाइप ये थोड़ा सा मेरे को बोनस मिलेगा, इसको टाइटू करने के लिए पता नहीं कितने झमेले करने पड़ेंगे, इसका फ़ायदा हो सकता था यहाँ पर, लेकिन ये मेरे पास अभी नहीं है, टाइटू तो नहीं है। ठीक है तो अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है, उसके बाद में ये ओके फिजिकल अटैक इंक्लूड डिफेंस, उसके बाद में चलो अटैक करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दो तीन क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा, उसका सेपरेट अलग से छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ, उसमें फिर पूछना है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका ये सूट कितना स्कोर करता है, थोड़ा मालूम तो पड़े। साउंड ऑफ ही कर देता हूँ ताकि स्ट्राइक का कोई प्रॉब्लम ना आए।
काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसको कमज़ोर वीक समझ रहा था, लेकिन नहीं, टायर थ्री होने का यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। अरे यार, स्किल नंबर 6 यूज़ करना था, मैंने गलती कर दिया, और ज़्यादा स्कोर हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, जितना उतना संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि का मतलब है सेटिस्फाई, यानी खुश होना, छोटी डी समझ जाओ मीनिंग। ओके, तो यहाँ पर स्कोर कितना हुआ, सेकंड नंबर पे हूँ मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी कल का मैं स्कोर नहीं कर पाया, बिज़ी था। ठीक है, ये तो निपट गया। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, हार गया, वो तो होना ही था, पार्टिसिपेट कोई नहीं कर रहा था। चलो इतना काफ़ी है वीडियो मेरे ख्याल से। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और देख लेना कोई कन्फ्यूजन होगा या कुछ पूछना होगा कैरेक्टर के अलावा, या फिर किस कैरेक्टर को चूज करना है इस दिन, तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से पूरा आंसर देने की। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।